चादर बिछाना तो हर किसी को आता है, लेकिन परफेक्ट चादर बिछाना बहुत कम लोगों को आता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट चादर बिछाने के दो आसान तरीके बताऊंगी, जिससे आपकी चादर कभी खराब नहीं होगी। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। हर गृहिणी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपने बेडशीट बिछाई और थोड़ी देर बाद जब आप कमरे में जाती हैं, तो बेडशीट में कई सारी सिलवटें दिखती है, बेडशीट अस्त व्यस्त हो जाती है। कमरे की सफाई चाहे जितनी भी कर लो, यदि बेड पर चादर सही तरीके से नहीं बिछी हुई है तो कमरा अच्छा नहीं लगता, चाहे चादर कितनी भी महंगी और सुंदर ही क्यों न हो। परफेक्ट चादर बिछाने के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि आप हमेशा अपने बेड से थोड़ी सी बड़ी बेडशीट खरीदें, ताकि वो बेड के नीचे बराबर फिट हो सके। यदि चादर छोटी रही तो आप उसे कितने भी परफेक्टली बिछाएंगी तो वह निकलती ही जाएगी। चादर बिछाने के लिए आप सबसे पहले गद्दे को उठाकर थोड़ा सा सामने खींच लें, ताकि हेडरेस्ट की तरफ से हम चादर को पहले फिट कर सकें। अब जो भी बेडशीट आपको बिछानी है उसे पूरे बेड पर इस तरह स्प्रेड करें कि चारों साइड से बेडशीट का सेम पोर्शन बेड के बाहर लटके। हेडरेस्ट की तरफ से चादर को अंदर की तरफ टक कर दें, फिर बेड को उठाकर हेडरेस्ट की तरफ वापस फिट कर दें। दीवार के साइड की चादर को भी मैंने अंदर के साइड टक कर दिया है। अब चादर को बराबर इस तरह फैला दें। अब हम बेडशीट के कॉर्नर को बराबर फिक्स करेंगे। यही वह पॉइंट है जहां पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि कॉर्नर बराबर फिट हो गया तो ही बेडशीट परफेक्टली बिछाई जा सकती है। चादर को इस तरह पकड़कर दूसरे हाथ से ऊपर वाली चादर को अंदर दबाएं। मैं वीडियो को झूम करके दिखा रही हूँ ताकि ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ सके। चादर का जो पोर्शन हमने पकड़ा हुआ है उसे बेड के लाइन तक लाए, एक हाथ से इस भाग को पकड़ते हुए दूसरे हाथ से चादर को अंदर टक कर दे। अब इस भाग को नीचे लेते हुए कॉर्नर तक ले जाकर बेड के नीचे दबा दें। होटल्स, हॉस्पिटल आदि में भी इस तरह बेडशीट बिछाई जाती है। ये देखिए हमारे बेडशीट का कॉर्नर कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब चादर को खींचते हुए टक करते जाएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से थैंक यू। दूसरे और तीसरे कॉर्नर को भी इसी तरह सेट कर लें। बेडशीट के इस साइड का पूरा कॉर्नर देखिए कितने अच्छे से फिट हो गया है ना चादर बिछाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका। आइए देखते हैं बेडशीट बिछाने का दूसरा तरीका। इस तरह के रबर यानी बो लेकर चारों कॉर्नर पर लगा दें। पहले की तरह हेडरेस्ट की तरफ से और दीवार की तरफ से बेडशीट को बेड के नीचे फिक्स कर लें। अब गद्दे को उठाते हुए बेडशीट को खींचकर बेड के नीचे सभी ओर से फिक्स कर लें। बेडशीट के कॉर्नर पर रबर लगाने से बेडशीट अच्छे से फिट हो जाती है, उसमें जल्दी से सिलवटें नहीं पड़ती। आप बेडशीट के कॉर्नर पर रबर लगाने की बजाय वहां पर नॉट भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बेडशीट बिछाने के इन दो तरीकों में से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।